हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक गाइड राजमन जी। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर में आपको पता है कि पूरे देश में जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है दोस्तों, इस टाइम पे एक बात लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। लास्ट टाइम पे दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था EMI को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने EMI को लेकर बताया था कि वहाँ पर एग्जैक्टली उसके अंदर कौन कौन से EMIs काउंट होंगे, राइट। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या और है लोगों के बीच में दोस्तों। ये है कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे भी उसी टाइम से यानी कि 22 मार्च से दोस्तों वो है स्टॉप, यानी कि 22 मार्च से पूरी ट्रेनें जो हो गई बंद हो गई। और उस दौरान जितने भी लोगों ने टिकट बुक कराया था, राइट, तो जितने लोगों ने टिकट बुक कराया था तो एग्जैक्टली आपको पता है कि 14 अप्रैल तक तो सारी की सारी ट्रेनें कैंसिल हैं। तो उस दौरान जितने लोगों ने भी ट्रेनों में अपनी टिकट्स बुक कराया था, तो आखिर में उनके पैसे का क्या होगा और किस प्रोसेस से वो पैसा मिलेगा, राइट। तो ये यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कुछ बदलाव किया गया दोस्तों। अब यहाँ पर इंडियन रेलवे ने बहुत सारी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लाए हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में अगर आपने इस बीच में यानी कि 22 मार्च से और 14 अप्रैल तक के बीच में अगर आपने कोई भी जर्नी की अगर आपने टिकट बुक की है तो उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से आपको ये सारा पैसा मिलेगा, क्या पूरा प्रोसेस है, सब कुछ बताऊँगा आपको मैं इस वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि यहाँ बताऊँगा कि आखिर में कैसे आपको जो भी आपका रिजर्वेशन का जो भी पैसा है यानी जो भी आपने टिकट बुक कर रखा है और वो टिकट के पैसे आपको कैसे मिलेंगे, वो कैस टाइम पीरियड के अंदर 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में अगर आपकी कोई भी जर्नी थी ऑटोमेटिक वो टिकट कैंसिल हो गई, लेकिन उसके पैसे कैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि इंडियन रेलवे ने जो बात बोला है वो ये बोला है कि पहली बात आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी तरफ से कोई भी टिकट नहीं कैंसिल करना है। पहली चीज़ यानी ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलिए कि आपकी टिकट अगर 4 अप्रैल की है और आप सोच रहे हैं कि ठीक है भाई 3 तारीख को 1 तारीख को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे और उसके बाद में उसका पैसा रिफंड हो जाएगा, तो नहीं, ऐसी गलती आप कभी नहीं करना। आपको पैसा नहीं मिलेगा इस बात का आप ध्यान रखिए। आपको यहाँ पर पैसा आपको पैसा मिलेगा लेकिन आपको बस करना ये चीज़ है कि आपको टिकट खुद से कैंसिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगी। और मे भी आपके पास सारे अभी तक मैसेज तो आ भी चुके होंगे कि आपकी टिकट जो है कैंसिल हो गई, तो इस दौरान आपको कोई भी टिकट आपको कैंसिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक सारे कैंसिल हो जाएंगे टिकट। उसके बाद में आपके पास में जून तक आपके पास में सारे के सारे या उससे और पहले ही आपके सारे पैसे जो है मिल जाएंगे, यानी कि लास्ट टाइम 1 जून रखा गया है और उससे पहले पहले यानी कि 15 अप्रैल के बाद में ये प्रोसेस सारा स्टार्ट हो जाएगा रिफंड करना। और अब केस यहाँ पर एक बनता है कि भाई जो जिन्होंने ऑनलाइन रिजर्वेशन किया उनके पैसे तो डायरेक्ट उस अकाउंट में चला जाए जिस अकाउंट से वो पैसा कटा है, राइट। लेकिन जिन्होंने काउंटर से यानी कि जो आपको पता है कि जगह जगह पर जो है काउंटर्स बने होते हैं, उस काउंटर से जाकर अगर टिकट लिया तो उसका क्या होगा, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि आपको जो है सबसे पहले जब इंडियन रेलवे की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी ऐसा चीज़ आएगा, अपडेट आएगा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने काउंटर पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद में फिर जाके आपको जो भी अमाउंट है आपके टिकट का, जो भी आपके पैसे बनेंगे, वो सारा का सारा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तरीके। और रही बात ऑनलाइन वाला, तो ऑनलाइन मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस अकाउंट से पैसे कटे हैं ऑटोमेटिक वो सारे पैसे उसके अंदर रिफंड हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मतलब अभी जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने पैसे प्राप्त करने हैं, अगर अपने आपको पूरे पैसे लेने हैं, तो आपको टिकट खुद कैंसिल नहीं करना है। आपको उस टिकट के पैसे तभी मिलेंगे जब वो ऑटोमेटिक ही कैंसिलेशन होगी। आपने खुद कर दिया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ऐसी गलती कभी ना करें, भूल के भी ना करें, इंतज़ार करें, ऑटोमेटिक आपके टिकट वो कैंसिल हो जाएगी। बस उसके बाद में क्या आपके पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में, अगर नहीं आते तो आपको अगर काउंटर की टिकट तो काउंटर पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक अपडेट था जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात को लेकर परेशान है कि मेरी टिकट का क्या होगा, मेरे पैसे के क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या होंगे, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन बनी पड़ी थी। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी काफ़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। बस फ्रेंड, फिलहाल के मुझे दोस्तों इतना ही। चैनल पर है नए चैनल को ले सब्सक्राइब, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी इस टाइम पीरियड के अंदर 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में कोई टाइम पीरियड में कोई जर्नी थी या नहीं थी, अगर थी तो दोस्तों क्या टिकट कैंसिलेशन का मैसेज आया या नहीं आया दोस्तों, बस ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बस फ्रेंड, फिलहाल के मुझे दोस्तों इतना ही। चैनल पर है नए तो चैनल को ले सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक। फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।